उस्मान नाम है जी, शांगला से ताल्लुक है। एस आर एस पी मलाकंड पीस प्रोजेक्ट में एज ए फील्ड इंजीनियर काम कर रहा हूँ। लोगों ने इधर तंजीम बहाल के ऊपर उसने कहा कि हमें इधर एक स्कीम करनी वाटर सप्लाई की, बहुत ज़्यादा मसले थे पहले पहले। पहले इधर जो लोग थे वो दूर दूर से पानी लिया करते थे, ख़ास तौर पर कपड़े धोने के लिए, पीने के लिए। जब ये स्कीम हुई तो फिर लोगों ने वो जो इधर इस स्कीम की वजह से लोग अपने घरों में वो जो टैप लगे होते इसी से अपने जो पानी वो घरों में उनके अंदर मैसर है। नाम अलीम गुल है, गाँव चढ़ा ताना बांडा जात से ताल्लुक है। इलाके में पानी की मुश्किल थी क्योंकि पुराना पाइप था 1973 के टाइम का लगा हुआ था, वो ज़्यादा जंग आलूदा हो चुका था, तकरीबन आधे तक वो भर चुका था और पानी जब उसमें आता था तो जंग भी उसके साथ आ जाता था, लोगों को बीमारियाँ लग रही थी साथ साथ, ज़्यादातर लोग गुर्दे के बीमार हो चुके हैं। ये जो स्कीम हुआ है इससे हमें फ़ायदा होगा और हो चुका है, लोगों को पानी लाने की तकलीफ ख़त्म हो गई। पहले दूर दूर से पानी लाते थे और मुश्किल होता था लेडीज़ को भी और जेंट्स को भी, अगर लेडीज़ किसी काम की वजह से वो पानी के लिए नहीं जा सकती तो मर जाके उठ के वहाँ से पानी उठा के लाते थे। SRSP और यूरोपीय यूनियन की वजह से, उनकी इमदाद की वजह से उन्होंने हमारे साथ काफ़ी ताउन किया और ये बड़े मुश्किल दुश्वार गुजार इलाका था कि उन्होंने यहाँ तक मटेरियल पहुँचाया। मेरा नाम फरीदा है, मैं यहाँ की मकामी रहने वाली हूँ। तकरीबन 40 तक यहाँ पे घराने और सब ने अपना मसला इस तरह हल किया कि इत्तेफाक से और इस आरएसपी की वजह से हर जगह पानी पहुँचाया है। और हमारे जो कपड़ों का मसला था, कपड़े धोने का मसला था, बच्चों की सफाई का मसला था, उनके नहलाने का मसला था, ये सारा कुछ पानी की वजह से हमारा हल हो गया।